नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप देख ही रहे हैं क्या है, ये है कमल ककड़ी। ये कमल की, जो कमल के फूल की स्टैम्प होती है, ये वो है। तो मेरे पास दो रखी थी, सोची इनको कैसे यूज़ करूं, क्या करूं। तो चलिए देखते हैं आज क्या बनता है इससे। तो मैंने सबसे पहले ना इसके पीछे का पार्ट काट लिया दोनों का। ये देखिए, मैं इस तरह से काट लूँगी। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, देखिए इसमें छेद होते हैं, इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। इसे साफ़ करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर तक होती है। तो सबसे पहले तो मैं इसे छील लूँगी। ये देखिए, मैंने इनको छील लिया है। ये देखिए, अब मैं इसे ना ऐसे, या तो आप तिरछा काट लीजिए या आप सीधा काट लीजिए, जैसा आपका मन करे वैसे काट लीजिए। तो मैं चक्कू से काटती थी, फिर सोचा क्यों ना कद्दूकस से ही कट जाए, देखूँ कद्दूकस से काट रही थी, पर कद्दूकस से हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने चक्कू से ही काट लिया सारा। देखिए इस तरह से काट लिया मैंने, थोड़ा ना बारीक काट लिया। आप थोड़ा सा ना, थोड़ा सा और मोटा काटिएगा, थोड़ा सा। तो मैंने, मेरे से ज़्यादा बारीक कट गया। तो अब इसे ना, इसकी गंदगी को साफ़ करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लेके उसमें नमक डाल लिया और इसे डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया, कितनी गंदगी थी। अब फिर दूसरे बर्तन में पानी ले लिया, अब फिर इसे साफ़ करूँगी क्योंकि इसे साफ़ करना, अच्छे से क्लीन करना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये मैंने कर लिया, ये इसका पानी भी अलग कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक सूती कपड़ा ले लेंगे कोई भी और इस पे इसको फैला देंगे ताकि इसका, इसमें जो पानी है वो ना रहे। जैसे, और सूती कपड़े से ज़्यादा इसे पूछ दीजिए ऐसे, जैसे पंखे के नीचे छोड़ दीजिए 2-4 मिनट के लिए। ये पानी इसका मतलब कि सूखी सूखी सी हो जाएंगी थोड़ी। ये देखिए, अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी एकदम पूछ के, थोड़ा बहुत, बाकी अपने आप हो जाएगा ये। अब इधर मैंने कर दिया है तेल गरम कढ़ाई के लिए, मैं इसको फ्राई करूंगी। आप चाहे तो इसके चिप्स भी बना सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। आप अगर इसके चिप्स बनाना चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर मिला के जब इसे फ्राई कर लीजिए, पर मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया। देखिए, इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है हमें। ये देखिए मेरे ब्राउन हो चुके हैं, कलर आ चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी नैपकिन पेपर पे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है। इतने तेल ठंडा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, एक कटोरी में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया, ज़रा सा ही, और मैंने इसमें डाल दिया सोया सॉस। ये देखिए, और थोड़ा सा शेज़वान सॉस डाल दिया, पता नहीं क्या बनेगा, देखते हैं बना के। और थोड़ा सा डाल दिया टमाटो केचप, और इसको अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। और थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी पहले, और फिर इसमें मैं आधा चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी और उसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। ये देखिए, मैंने मिला लिया है। अब मैं इसमें ज़रा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया है, ऑयल ही हनी डाल दिया मैंने इसमें, शहद। ये देखिए, एक चम्मच मैंने इसमें शहद भी डाल दिया है। और जो तेल उसमें एक्स्ट्रा था ना, मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा तेल छोड़ा है मैंने बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन, अदरक नहीं लहसुन काट रखा था मैंने थोड़ा सा, वो इसमें डाल के भून लूँगी। जैसे लहसुन भूनता है, मैं जो ये पेस्ट सा बनाया ये डाल दूँगी फटाफट से, जब तक इसमें शाइनिंग ना आ जाए ना तब तक। ये देखिए, मेरा पक चुका है, ये गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखिए, अब मैं जो मैंने चिप्स फ्राई किए थे इसे डाल दूँगी। ये देखिए, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसका, थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा। मैंने इसमें थोड़ी सी ना चिली फ्लेक्स भी डाली थी, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा हनी का टेस्ट। पहले तो लगा था पता नहीं कैसा, जब खाया ना इतना स्वाद लगा। ये आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपने चिप्स तो कई बार बनाए पर इस तरह से बनाइए, आपको मज़ा ही आ जाएगा।